मूवी के शुरुआत में मूलजी जीवराज के परिवार में घर के चिराग का जन्म होता है, जिसका नाम करसन दास रखा जाता है। करसन को शायद दास होने पर बचपन से ही आपत्ति थी, इसलिए उसने जताना भी शुरू कर दिया। जब करसन 10 साल का हुआ तब उसने अपनी मां को खो दिया। करसन के मामा ने करसन को अपने साथ बॉम्बे लेकर आ गए। उस समय बॉम्बे में अंग्रेजों का शासन था, पर लोग जय महाराज को मानते थे। करसन की देखरेख उसकी विधवा भाभो ने किया। तभी किशोरी को देखते हैं, जो करसन की होने वाली पत्नी है। वे सभी जय महाराज के पास रंग उत्सव मनाने जाते हैं, जहां पर जय किशोरी को चरण सेवा का मौका देता है। तभी करसन को पता चलता है कि वो चरण सेवा के लिए गई है। करसन हवेली जाता है, जहां पर किशोरी को संभोग करते हुए देख लेता है। ये सब देखकर वो टूट जाता है, जिसके कारण किशोरी से रिश्ता भी तोड़ लेता है। इस वजह से उसके मामा उसे घर से निकाल देते हैं। किशोरी करसन से मिलती है, वो उसे बताती है कि यह एक प्रथा है, अगर तुम्हारी माँ होती तो वो भी तुम्हारी बहन को चरण सेवा के लिए भेजती। पर करसन किशोरी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, जिस वजह से किशोरी आत्महत्या कर लेती है। इस वजह से करसन इस प्रथा को खत्म करने का ठान लेता है और जय का असलियत सबके सामने ले आता है। मूवी की शुरुआत 1832 गुजरात के वडाल गांव से होती है, जहां पर मूलजी जीवराज के परिवार के घर के चिराग का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम करसन दास रखा जाता है। करसन को शायद दास होने पर बचपन से ही आपत्ति थी, इसलिए उसने जताना भी शुरू कर दिया। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, उसके सवाल भी बढ़ते गए। जब करसन 10 साल का हुआ तब उसने अपनी माँ को खो दिया। करसन के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण करसन के मामा ने करसन को अपने साथ बॉम्बे ले आया। बॉम्बे उस समय कपास के व्यापार का गढ़ हुआ करता था। उस शहर के बीच कलावती देवी की एक हवेली थी। यहाँ पर तब हुकूमत अंग्रेजों की थी, पर वहाँ माना जाता था जय को जय वहाँ का महाराज था। हवेली के करीब करसन के मामा का घर था। करसन अपनी विधवा भाभो से मिलता है और उसी के लाड प्यार से पलकर बढ़ता है। करसन छुआछूत की भावना नहीं रखता था और वो इसका विरोध भी करता है। उसकी क्रांतिकारी सोच दादा भाई नौरजी जैसे सुधारकों से प्रभावित थी, इसलिए वो एक नई सोच से लोगों को परिचय कराने लगा। वो पत्रकारिता में लेख लिखा करता था, जिससे सामाजिक प्रथा से लोगों को जागरूक कराता था। उसके लेख लोग पढ़ा करते थे। तभी देखते हैं कि आज होली है, वो अपने भाभो को रंग लगाता है। उसके बाद वो अपनी मंगेतर किशोरी के पास उसे रंग लगाने जाता है, तो किशोरी उसे रंग लगाने से मना कर देती है। वो जय महाराज को बहुत मानती थी और वो जब तक उन्हें रंग नहीं लगाती तब तक वो किसी को रंग लगाने नहीं देगी। फिर करसन भी उसे जाने देता है। पूरे गांव जय के सामने रंगों का उत्सव बनाती है। तभी जय की नज़र किशोरी पर जाती है और वो उसे चरण सेवा का अवसर देता है। इस बात से किशोरी और उसके घर वाले बहुत खुश है, क्योंकि उनका सोच था कि यह अवसर सबको नहीं मिलता। वो इसे अपना सौभाग्य मानती है। किशोरी जय के पास चरण सेवा के लिए जाती है। तभी करसन उसे ढूंढते हुए उसकी छोटी बहन से मिलता है, तो वो उसे बताती है कि किशोरी जय महाराज के पास चरण सेवा के लिए गई है। पर करसन को पता नहीं होता कि ये कौन सी सेवा है और वो महल पहुंच जाता है। वो जय के मंत्री से कहता है कि मैं किशोरी का मंगेतर हूँ, मुझे अंदर जाने दो। वो कहता है आप मंगेतर है तो आप खिड़की से अंदर देख लीजिए। जब करसन ऊपर जाता है तो बहुत सारे लोग खिड़की से कुछ देख रहे होते हैं। करसन जब खिड़की से देखता है तो किशोरी को इस हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला जाता है। पर जितने भी लोग ये सब देख रहे होते हैं वे करसन को बोलते हैं कि तुमने चरण सेवा में बाधा डाली है, तुम्हें पाप लगेगा। करसन किशोरी से कहता है कि तुम चरण सेवा के नाम पर ये क्या कर रही हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब तुम घर चलो। जय उसे कहता है कि यह परंपरा है। किशोरी करसन से कहती है आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। करसन वहां से चला जाता है। वो अंदर से टूट चुका था, वो घर जाकर रोने लगता है। ऐसा लगता है कि करसन की जिंदगी जैसे एक ही पल में बिखर गई हो। अगले दिन किशोरी उसे रोकती है और वह कहती है कि हवेली में जो भी हुआ वह सेवा थी, ये सेवा करने का मौका नसीब वालों को मिलता है। करसन उसे कहता है कि तुम्हें तो वो पाखंड इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें धर्म की नहीं बुद्धि की जरूरत है। और कल तुमने साबित कर दिया कि वो तुम्हें अपनी जूठन कहे और तुम्हें इस पर गर्व है, ये तुम्हारी कैसी सोच है। कल तुम मजबूर नहीं थी, खुशी खुशी गई थी तुम उसके पास, ये कैसी सेवा है। जो हक शादी के बाद तुम्हारे पति का है वो तुमने उसे दे दिया। किशोरी कहती है मैं ना पहली लड़की हूँ ना ही आखिरी, यदि तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी तुम्हारी बहन को वहाँ भेजती। यह बात सुनकर करसन उस पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन किसी तरह अपने आप को रोक लेता है। वो कहता है आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तभी किशोरी जय के पास जाकर ये सारी बात बताती है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब से तुम हमारी लाडली हो। यह सुनकर किशोरी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। जब वो सो के जगती है तब वो जय के बारे में पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि जय मंगल आरती में गए हैं। जब वो बाहर जाती है तो वो जय की चरण पादुका दूसरे कक्ष के बाहर देखती है। तभी वो उस कमरे के पास जाती है तो वो जय को यह कहते हुए सुनती है कि आज से तुम मेरी खास हो, जो जय ने उससे कहा था। तभी किशोरी उस कमरे के अंदर जाती है तो वो अपनी बहन को देखती है। तभी वो जय को बोलती है कि आप सेवा के नाम पर ठग है, अब कुछ मिनटों के लिए अपनी लाडली बनाकर हमारी भक्ति का गलत फायदा उठाते हैं। मैं भगवान मानती थी आपको, पर आप पाखंडी है। किशोरी अपने बहन को वहां से ले जाती है। घर जाकर अपने बहन को सब कुछ बताती है कि इस वजह से करसन ने सगाई भी तोड़ दी है। उसकी बहन एक चुन्नी में गांठ बांध कर कहती है कि जब तक वो आपको माफ नहीं कर देते या गांठ नहीं खोलूंगी, क्योंकि माँ भी कोई मन्नत मांगने के लिए ऐसा ही करती है। तभी हम करसन के मामा को देखते हैं, जो रिश्ता तोड़ने पर उसे भला बुरा कर रहे होते हैं। तभी उसके मामा बोलते हैं कि जो कुछ किशोरी ने
ने किया, तुम्हारी मामी ने भी ये किया था। करसन कहता है, आपको यह कहने में खुशी नहीं शर्मानी चाहिए, यदि आपको यह सब सही लगा है तो अपने भाभों की दूसरी शादी क्यों नहीं कराई। इस बात पर उसकी भाभो कहती है, या तो किशोरी से लगन करो या फिर इस घर से निकल जाओ। करसन घर से बाहर निकल जाता है और रात सीढ़ियों में बिताता है। तभी वो उन्हीं लोगों से मिलता है जो लोग उसके लेखो पढ़ा करते थे और वे करसन को अपने साथ ले जाते हैं। जेजे और उसकी पत्नी करसन की चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उसका मंत्री वहाँ आकर बताता है कि द्वार में कोई लीलावती नाम की एक लड़की और उसका भाई आया हुआ है। तभी जेजे उनसे मिलता है। तभी उसका भाई कहता है कि आपका बच्चा मेरे बहन की कोख में पल रहा है, मेरी बहन की इज्जत बचा लीजिए। जेजे उसे बच्चा गिराने को बोलता है, जिसके कारण उसका भाई गुस्सा हो जाता है। पर उसकी बहन उस बच्चे को भगवान का प्रसाद मानकर उसे पैदा करना चाहती है। तभी जेजे उसे एक धतूरे का लड्डू खिला देता है। फिर वे वहां से चले जाते हैं, पर रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहां करसन आ जाता है। वो करसन को सारी बात बताता है। करसन जैसे ही सामान ढोने वाला गाड़ी लेकर आता है तो वे वहां पर नहीं मिलते। तभी वो लवन जी महाराज से जाकर पूछता है, क्या आपने उन्हें देखा है। वे कहते हैं, यह हवेली न जाने कितने लोगों को खा गई है। करसन कहता है, जब आपको सब कुछ पता है तो आप कुछ करते क्यों नहीं। तभी वे कहते हैं कि जेजे के खिलाफ वे नहीं जा सकते, क्योंकि उसी की वजह से इस हवेली में सानो सोकत आई है। लवन महाराज की बातें सुनकर करसन वहां से उदास होकर नरोजी भाई के पास चला जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तभी वे बोलते हैं कि जब लवन जी महाराज हवेली के अंदर रहकर कुछ नहीं कर सकते तो हम तो बाहर वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं। तभी नरोजी भाई बोलते हैं कि हमें बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। वे बताते हैं कि थोड़ी देर पहले किशोरी यहां आई थी, तुमने किशोरी को उसकी गलती तो दिखाई लेकिन उसे सुधरने का मौका नहीं दिया। करसन भी सोचने लगता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे माफ नहीं किया। करसन बोलता है कि मैं उसे माफ कर दूंगा। तभी एक आदमी करसन को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। तभी वो देखता है किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली। करसन इस बात से बहुत ही दुखी होता है, उसके पास अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी किशोरी की बहन करसन को एक चिट्ठी देती है जो किशोरी ने मरने से पहले लिखी थी। उसमें लिखा था कि मैं अंधी हो चुकी थी, इंसान और भगवान के बीच का फर्क नहीं समझ पाई, आज जब आंखें खुली तो आपसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रही। इस पछतावे का सबूत मैं जीते जी नहीं दे सकती थी, तुम जेजे का असली चेहरा सबके सामने जरूर लाना। करसन तभी जेजे के पास जाता है, उसे बोलता है कि अब वो उसका चेहरा सबके सामने लाएगा। वो नरोजी भाई को पत्रिका छापने के लिए देता है, पर वे छापने से मना कर देते हैं क्योंकि वो सीधा निशाना जेजे पर साधा था और उसकी पत्रिका वैष्णव भी पढ़ा करते थे। वे अपने महाराज के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं सह सकते थे, इसलिए वो अपनी पत्रिका छापना चाहता था, जिसके लिए गोकुलदास और सोहराव जी मदद करते हैं। वो पत्रिका में जेजे के बारे में लिखना शुरू कर देता है, लेकिन सारी पत्रिका जेजे के आदमी उनसे छीन कर उन पत्रिकाओं को चला देते हैं, जिसके कारण जेजे बोलता है कि अब कोई मंगल आरती नहीं होगी और हवेली का पट बंद रखने को बोलता है। पर लवन जी भाई बोलते हैं कि कोई भी भक्त मंगल आरती के बिना एक भी अन्न का निवाला नहीं खाएगा। तभी जेजे हंसने लगता है, वो तो यही चाहता था कि लो करसन को खुद घसीट कर यहाँ पर लेकर आए और उसे मुझसे माफी मंगवाए। अगली सुबह हवेली के द्वार नहीं खुलने पर लोगों का गुस्सा जमकर फूटने लगता है। तभी वहाँ करसन अपने साथ भगवान की फोटो लेकर आता है, उसे पेड़ के नीचे रख देता है और समझाता है कि भगवान तो वही है, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी, इसलिए सभी कोई यहीं पे पूजा करे। तभी लवन जी महाराज आते हैं और मंगल आरती करते हैं, जिसके कारण जेजे का सारा खेल खराब हो जाता है। उसके बाद विराज नाम की लड़की करसन के पास काम मांगने के लिए आती है। करसन उसे काम पर रख लेता है और विराज भी अब उसकी मदद करने लग जाती है। विराज को करसन की सच्चाई बहुत पसंद आती है। करसन सत्य प्रकाश पत्रिका को सब्जियों के बीच छुपा कर लोगों तक पहुंचा देता है। जैसे ही वह पत्रिका सभी कोई पढ़ते हैं, जेजे का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर हम करसन को नदी के किनारे देखते हैं जो परेशान दिख रहा होता है। तभी विराज वहां पे आती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है और वो करसन को अपने प्यार का इजहार कर देती है। हवेली में दान की कमी होने लगती है, जिसके कारण जेजे को हवेली का पट खोलना पड़ता है। लोग अब जागरूक हो रहे थे, जेजे की असलियत सबको पता चल चुकी थी, जिसके कारण जेजे करसन की पत्रिका में आग लगवा देता है। पर करसन किसी तरह फिर से उस पत्रिका को शुरू कर लेता है। अब जेजे के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह कोर्ट का सहारा लेकर करसन के ऊपर 50,000 मानहानि का केस कर देता है और ये रकम बहुत ज्यादा थी। करसन इस मुसीबत से लड़ने के लिए भी तैयार था, गवाही देने के लिए कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जेजे के आदमी उन्हें धमकी देते हैं कि उन्हें उनकी बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से वे लोग गवाही देने से मना कर देते हैं, जिसके कारण करसन की परेशानी बढ़ जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, उसे बताता है कि जेजे की पत्नी ने तुम्हें बुलाया है। वो जेजे से बहुत परेशान थी, इसलिए वो करसन का साथ देना चाहती थी। वो उसे एक पता देती है और कहती है कोई है जो जेजे के खिलाफ गवाही दे सकता है। करसन उस पते पर जाता है तो वहाँ लीलावती और उसका भाई मिलता है। लीलावती वही लड़की है जिसकी उस रात करसन मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर वे अचानक गायब हो गए थे। जेजे ने उसे धतूरे का लड्डू खिलाकर उसे मारना चाहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे नमक का पानी पिलाकर उसकी उल्टी करवाई और लीलावती और उसके भाई को छुपा के रखी थी। लीलावती जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थी, लेकिन जेजे को इस बात की खबर लग जाती है। वो लीलावती को उठवा लेता है, उसकी शादी अपने सेवक से करवा देता है। जब करसन को यह बात पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। अब करसन के पास गवाही देने के लिए कोई भी नहीं था। कोर्ट की डेट भी आ जाती है। कोर्ट के बाहर जेजे के बहुत से भक्त खड़े
अटघरे रहते हैं। अटघरे में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो बताता है कि जेजे को एक गुप्त बीमारी है जो बहुत से स्त्रियों के साथ संभोग करने से होता है। तभी जेजे के सेवक को बुलाया जाता है जिसे पूछा जाता है कि लीलावती कौन है। तभी वो बताता है कि वो मेरी पत्नी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। तभी उसका झूठ पकड़ा जाता है। वकील बोलता है कि मैंने तो सिर्फ लीलावती के बारे में पूछा था, ना कि उसके बच्चे के बारे में। फिर कटघरे में करसन को बुलाया जाता है। करसन जेजे के बारे में सब कुछ बता देता है और वह वहाँ बैठे लोगों से कहता है कि यदि ऐसा चलता रहा तो ये प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। लोगों के ऊपर उसकी बातों का असर होता है। तभी उसकी भावो उसकी साथ देती है और एक एक करके बहुत से औरतें जेजे के खिलाफ गवाही देने लगती है। इस तरह जेजे केस हार जाता है और करसन केस जीत जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।